सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वप्रथम माँ भगवती का ध्यान आवाहन करते हुए और प्रथम नवरात्र को घर में कलश स्थापित करने का और माँ की जो चौकी है वो स्थापित करने का विधि इस प्रकार है कि माँ का ध्यान करते हुए और सुंदर और साफ सुथरी जगह पे आसन बिछाएं और वहाँ पर चौकी स्थापित करें। वहाँ गणेश लक्ष्मी जी माता की प्रतिमा को स्थापित करें और एक कलश मटका घड़ा लेकर के उसमें गंगा जल और सुपारी और इत्यादि रखें और नारियल कच्चा नारियल लेकर के उस पर लाल कपड़ा लपेट करके और वहाँ पे कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश के नीचे जौ रखने चाहिए, जौ और एक अलग सकोरे पे वहाँ पे जौ और मिट्टी मिला करके उसमें जौ बीजने चाहिए और नित्य प्रतिदिन माँ का वहाँ पर अखंड ज्योत के रूप में स्थापित करने चाहिए। ज्योत जलाने के नियम है, अगर आप घी की ज्योत जलाना चाहते हैं तो घी की जला सकते हैं, यदि तेल की जलाना चाहते हैं तो तेल की ज्योत जला सकते हैं। और माँ का हमेशा वहाँ पे ध्यान करते हुए माँ का दुर्गा सप्तशती का आप पाठ भी कर सकते हैं और माँ की ज्योत का हमेशा उसके नियमों का उपवास ये है कि जिससे कि मनसा कर्मण वाचा, मन और कर्म और वाणी से हमारे अंदर कोई विकार ना आए, एक विचारों की शुद्धता के लिए उपवास रखा जाता है। और उपवास में शुद्ध तरीके से जो है केवल दूध फल ही लेना होता है, तो यह है कि उसमें आप फलाहार ही लें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा।